कनेक्ट हमारी कंटिन्यू करी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। मैं कह रहा था ये शिकायत हम कर रहे हैं, टाइम डिमांड, टीवी भी डिमांड सर, मैं आरक्षण सर अच्छा सा पैसा बैठ दूं, मैं भरकर चीज करूं, ये तो सॉरी हो जाएगा तभी मैं तो चीज करूं, अब तो मुझे आज करो मिसाल खान साहब और जब मैं तो चीज लगी मैं करने करके यहाँ देश में तो मैंने कह रहा था बेलास कयादत जिंदाबाद 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 बेलास कयादत जिंदाबाद 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 मुनस्पुल एडमिनिस्ट्रेशन हाय 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 मुनस्पुल एडमिनिस्ट्रेशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा नाम चौधरी महराजन भुजा है, मैं यहां पे फील्ड स्टॉप जो यूनियन है हमारी फील्ड वर्कर्स है, हमारे पुलिस वार्ड ऑफिसर्स बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स का मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैं मेंबर हूँ और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो हमारा तीसरा दिन आज हड़ताल के मतलब पूरे एक लहमल के हिसाब से चल रहा है, इट विल बी कंटिन्यू तब तक जब तक कि हमने जो डिमांड्स यहाँ पर रियासती इंतजामिया अपने ऑनरेबल मेयर अपने कमिश्नर अपने एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी हैं तब तक के एडमिनिस्ट्रेशन हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जुमला फैसला है, कायदीन का फैसला है, हमारे मकबूल साहब जो हमारे प्रेसिडेंट है उनका फैसला है, गुलाम मोहम्मद सल्ला साहब का फैसला है, ये हड़ताल तब तक जारी रहेगी। साहब आपकी वजह से लोग सफर कर रहे हैं okay. क्योंकि बहुत बड़ा इदारा है म्यूनसिपलिटी को बहुत बड़ा इदारा है। देखिए मैं आपको इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा, अभी भी जितने भी यहाँ पर हमारे प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लोग आए हैं मैंने उनको भी कबल इस वक्त यही कहा कि हम लोगों से माजरत खाएँ, माजरत चाहते हैं इस बात को लेकर कि हम गैर ज़रूरी तौर शहर श्रीनगर के आवाम को बल्दियाती सहूलियात फराहम करने के लिए और ख़ासकर सफाई के जो फोकदान आप देख रहे हैं इसमें हम खुद भी एक किस्म की शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अगर आवाम के जगह हम मुलाजमीन की जगह आप लोग या आवाम खड़े हो जाते तो उनको खुद ये पता लगता कि ये एहतजाज सिर्फ इसलिए है कि हमारे जो हकूक हैं हमारे जो मसाइल हैं हमारे ऊपर जो इज्जत नफस का हमला किया गया हमारे एक सीनियर ऑफिसर पर एक कॉर्पोरेटर साहबा की वजह से जिनके कमरे में जाके उनके ऑफिस की तोड़ फोड़ की गई, उनका लैपटॉप तोड़ा गया, उस पर हाथापाई की गई, उसके हित में ये हड़ताल है और मुझे उम्मीद है कि गवर्नर ऑनरेबल गवर्नर साहब रियासती इंतज़ामिया और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब इस मामले को आज तीसरे दिन बड़े संजीदगी से नोट करेंगे नोटिस में लेंगे ताकि आगे हम ये नहीं चाहेंगे कि गैर जरूरी तौर हर हड़ताल पर बैठे और शहरी श्रीनगर के आवाम गैर जरूरी तौर मुश्किल का सामना करना पड़े। तो मैं आज यहाँ पर आवाम से भी गुजारिश करता हूँ विद फोल्डिंग हैंड फोल्डर्स कि वो भी हमें माफ़ करें, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे क्योंकि हमारे पीछे हमारी फैमिलीज़ हैं और जब हमारी फैमिलीज को देखा जाए कि जब हमारे एक वार्ड अफसर पर इज्जत अफज का हमला के धमकी दी जाती है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है मुख्तलिफ प्रिंट के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, इस चीज सब को इन सब चीज़ों को लेके हमने डिसाइड किया है पूरे अमन का इत्तेजा, हम अभी सड़कों पे नहीं निकले हैं, हम प्रेस कॉलोनी नहीं गए हैं, हमने वो इकदाम नहीं लिए हैं जो ट्रेड यूनियन एक्ट हमें बताता है, हमारा पुरम एहतजाज जो आप देख रहे हैं मुलाजमीन का देख रहे हैं यहाँ बाग में पिछले तीन दिन से खड़े हैं पुरम एतराज एहतजाज के साथ और हमारे मुंह से आपने न कोई गाली सुनी होगी न कोई गलू सुनी होगी, हम इखलास इखलाक की बुनियादों पर इंसानियत की बुनियादों पर तमाम रियासती जम्मू कश्मीर के उन बागयूर बाशूर एडमिनिस्ट्रेशन पे जो अभी बैठे हैं बराजमान है उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारी इस धरन बंदाना अपील को गुजारिश को नोट किया जाए और हमें इस मुसीबत से नजात दिलाया जाए। सेकंड, ये बात आपको गौर करनी पड़ेगी कि हमारे जो सफाई कर्मचारी है जो बैकबोन ऑफ द कॉरपोरेशन है अभी उनका जो पे पिछले छः महीने से रुका पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि वो पे हमने काफ़ी एक साल से रिक्वेस्ट की है कि इस पे को वॉकजार किया जाए थ्रू ऑनलाइन पे क्योंकि हमारे इंटरनल सोर्सेज है वहाँ से किया जाए बंद किया जाए।